Wow, so beautiful, so elegant. नहीं मानते हम डॉक्टर की जब हो गया है। Hey family, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा वीडियो में। अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और एक दो दिन जितने दिन भी पहले सुहाना के पापा ना एक प्लान किए थे बीमू के ऊपर कलर डालेंगे, वो तो कर नहीं पाए क्योंकि वो उदय की वेटिंग में है। मैं भी वो वीडियो देखी और कल जो मैं इंस्टाग्राम पे रील डाली थी एक होली के रिलेटेड कुछ, तो उस पर एक कॉमेंट आया है कि आपके ऊपर मतलब होता है ना एक वो कलर डालने वाली वो मतलब प्रैंक व्रैंक करेंगे कुछ करके ऐसे। तो मैं सोची कि वो जब तक करेंगे उससे पहले मैं कर लेती हूँ। तो अभी ये दोपहर का टाइम, सुहाना आई है टिफिन खाने। नमस्ते बोलो बेटा। नमस्ते, सबका प्रणाम। देखिए कितना एक्सपोजर बढ़ा दिए है, लाइट बहुत ज़्यादा कर दिए है कैमरा का। तो अभी सुहाना को खिला के स्कूल भेज देती हूँ और मैं सुबह से मैं वेट कर रही हूँ कि सुहाना के पापा कब बाहर में बैठेंगे तो उनको मैं कलर लगाऊंगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं बेड पे सो के बैठ के, तो बेड पे तो कर नहीं सकती क्योंकि बेड गंदा हो जाएगा और वैसे भी बेडशीट व्हाइट कलर का है। तो अभी वो गए हैं किसी बैंक के कोई काम से अपने दोस्तों के साथ मार्केट। तो जब बैंक से वो वापस आएंगे, जब बाहर में रहेंगे, तो मैं रेडी होके रहूँगी और उनके ऊपर कलर डालूंगी। अभी है मेरे पास कलर तो है नहीं, अभी डालूंगी ऐसे मतलब लगा दूंगी जैसे जैसे, आप लोग देखिएगा कैसे लगाएंगे। ठीक है, कलर है ही नहीं है, कलर हमारे पास, आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको पहले खाना देते हैं। ठीक है सुहाना को भी हंसी आ रहे। ठीक है सुहाना, आप आना ना, तो आप कैमरा पकड़ना, मैं कलर डालूंगी पापा पे ऐसे ऐसे। ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बुंटी होली खेल ली है। कहाँ दिखाओ बेटा बुंटू, देखो तो। वाओ सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। अभी अभी ना अभी सुहाना पापा के साथ होली खेलूंगी। वो अभी प्लान बना रहे थे मेरे ऊपर रंग डालने के, अब मैं उनके ऊपर रंग डालूंगी। उनको अभी पता नहीं है, मैं सुबह से सोच रही थी उनको रंग डालूंगी लेकिन वो बेड पे सोए हुए थे तो बेड पे भी लग जाता। अभी वो बाहर गए हैं, जैसे आएंगे ना वहाँ से बाहर से तो मैं उनके ऊपर डालूंगी, रखी हूँ मैं। और उससे पहले बुंटी रंग खेल लिए, देखिए होली है बुंटी, होली है, होली है, बोलो होली है। हेलो दोस्तों के तुम सबको प्रणाम करो, सब प्रणाम, सब प्रणाम, सबको प्रणाम। तो सुहाना अभी खाना खा ली है और अभी थोड़ा सा सुहाना के बाल वाल ड्रेस सब ठीक कर देती हूँ क्योंकि ये बिगड़ के आती है। और यहाँ पे है ये कलर, आप देखी थी सुहाना कलर जी। मैं कहाँ पे रखी थी वो देखी थी, ये तो मुझे लग रहा है इसमें से पैकेट सब निकला है, आप निकाली हो निकाली हो कि नहीं? वो रंगोली में वो रंगोली में था, वो ऐसा थे तब खत्म हो गया था जी। ठीक, आपको याद नहीं है? नहीं भूल गया। ठीक है पकड़ो ये, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसमें मैं रखी थी लाल, ये लाल था, इसमें और भी कलर था, येलो और कौन सा कलर था, ब्लू पिंक और भी एक होता है ना बैगन वाला कलर, बैगन वो कलर भी था है ना ब्लू, उसको तो बोलते हैं वो ब्लू नहीं, वो उसको आप ब्लू बोल रही हो, बैगन वाला कलर होता है इसको, उसको कुछ और कलर बोलते हैं, ब्रिंजल वाले कलर को बोल रही हो आप ना, ऐसे वाला था क्या, ब्लू वाला नहीं था, ब्रिंजल कलर था है ना, और ये सारे कलर था। लेकिन ये जो दिवाली हुआ ना 22 जनवरी को, हाँ तो वो सब हम फिर से वो बना दिए, कुछ कर लिए ना उससे। हाँ तो अभी ये रेड कलर है बस, इसमें मैं रखी थी और भी कलर था लेकिन वो सब यूज में आ गया किसी चीज़ में जी। तो इसको रख देते हैं हम वापस डब्बे को और इसको निकाल के रखते हैं, जब सुहाना के पापा आएंगे गालों पे स्वागत होगा। और रेड कलर काफ़ी जचता भी है फेस पे, आप आओगी तब करें कि आप नहीं आओगी तभी कर ले। ठीक है चलो, आपको मैं बाल थोड़ा सा बना देती हूँ, फिर सुहाना का बाल भी कटवाने नहीं गए। और ग्रीन था पिंक था सारा था, सारा खत्म हो गया, बस अभी एक ही पैकेट है और ये उसी साल का है। मैं डेट वेट सब कुछ चेक कर लेती हूँ फिर इसको देखती हूँ कि लगाने वाले है कि नहीं। सुनो मैं आपको बता रही हूँ, पापा को गलती से भी मत बताना ठीक है, ये बता देती है उस दिन मत बताना, बताओगी बताओगे तो प्लान फेल हो जाएगा, आप मत बताना ठीक है। ठीक है चलो मैं आपको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। तो अभी सुहाना को रोड के उस साइड छोड़ने जा रही हूँ मैं, और आज सुहाना के बाल दादी बना दी थी है ना बेटा, आपके बाल आज कौन बनाए थे, आपके
बाल कौन बना दिए थे आज? दादी। देखिए फिर से कैसे कर लिया, हवा भी बहुत ज्यादा चल रहा है। चलो नहीं लगाया अभी घंटी। पानी पिए आप? पानी पी के नहीं, स्कूल में पानी है वो पीना, ठीक है? चलो पी लिए, ठीक है जाओ। आ चल, तो अभी बाहर में मैं बैठी थी और सोना के पापा आ गए हैं। हमारे कलर यहाँ पे है, पता नहीं क्या होगा। तो ये देखिए मैं कलर को फोड़ भी ली हूँ, और मन कर रहा है सुहाना को आने दे तब खेलूंगी, क्योंकि सुहाना बोली थी सुहाना मैं आऊंगी, मैं कैमरा पकड़ूंगी तब आप लगाइएगा कलर। लेकिन मुझे डर है कि सुहाना ना अपने पापा को बोल देगी कि मम्मी प्लान कर रही है ये कलर के लिए, जैसे उनके प्लान पे पानी फिर गया वैसे मेरे भी प्लान पे पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं पहले ही लगाना चाहती हूँ, पहले ही उनको कलर कर देना चाहती हूँ। तो अभी मैं किचन में तो वो बहुत जाते हैं, अभी भी कहीं उनको भूख लगा होगा तो बहुत भूख लगता है उनको। यहाँ से मैं हटा के रखती हूँ कहीं और, ये सीढ़ी वाले रूम में ज़्यादा नहीं जाते हैं वो, तो यहाँ पे रखती हूँ मैं, ठीक है? और अभी चलते हैं दूरा पे, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। टिक टिक। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे, और यहाँ पे सुहाना स्कूल से आ गई है, वर्षा सारे लोग यहाँ पे बैठ के खेल रही हैं। ये है बुंटी के दीदी, अच्छा पढ़ रही है, खेल नहीं रही है। बाप रे, इतना बड़ा गलती कैसे मुझसे हो गया? सुहाना के पढ़ते टाइम में कैसे बोल दी कि सुहाना खेल रही है, बताओ तो। और यहाँ पे मैं ऊपर में ये चावल जो दिए थे सूखने के लिए सुबह में, उसको अभी फटक लेते हैं इससे और बोरा में डाल के इसको मिल पे ले जाएंगे, चावल का आटा बनाएंगे, फिर इससे बनाएंगे बगिया और पूरी भी। पूरी तो सुहाना के पापा खाते नहीं है तेल वाले चीज़ उतना, बगिया बनाऊँगी और रोटी चावल का। सुहाना पापा के एक दोस्त आ गए हैं घर में, तो अभी वो कुछ कंप्यूटर का कुछ ख़राब हो गया है तो वो ठीक करने आए हैं, वो चले जाएंगे, उसके बाद हम होली खेलेंगे, लगाएंगे रंग। शाम के 6 बजने को आया, इन लोग का काम नहीं ख़त्म हुआ है ना, तकर बाद उनकी दो है ना जेब में काम करत बना। हे फैमिली, तो ये है अगला दिन, कल जो हम सोचे थे वो नहीं हो पाया, क्यों आप लोगों को पता है, उनके दोस्त आ गए थे और काफ़ी लेट से गए तो नहीं खेले रात को। और अभी सोची थी सुबह में, तो अभी देखिए सुबह से ना पतिदेव रात को मतलब बहुत रात तक 1 बजे तक काम कर रहे थे कुछ, तो इसकी वजह से ना वो देर तक आज सोए, खाना वाना बन गया, उसके बाद वो निकले थोड़ा देर मुंह धोए इधर उधर किए खाना नाश्ता खाए और फिर जाकर अभी बेड पे ही है। बेड पे कैसे खेलूँगी बताइए, जैसे वो बाहर निकलेंगे फिर खेलते हैं, और डर भी लग रहा है कहीं चिल्लाने ना लगे कि क्यों लगाए। वैसे तो नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि वो खुद ही प्लान किए थे मुझे रंग लगाने की, वो ढारने वाली रंग मैं वीडियो देखी। और अभी वो उदय के इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले मैं लगा देती हूँ। अभी पति देव जी आ गए घर से बाहर, वीडियो एडिट कर रहे थे ना। हाँ। हो गया okay. और वो जो शीशा में मुंह देख रहे हैं, कभी इसको धो भी दिया कीजिए, देखिए कितना गंदा लग रहा है, हमेशा मुझे ज्ञान देते रहते हैं। हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, मैं भी अपना नहीं छोड़ती, मैं भी दे देती हूँ। तो अभी बोल रहे हैं ये मार्केट चलने के लिए, आप नहाएंगे नहीं है? नहाएंगे नहीं है, मार्केट से आएंगे तो नहाएंगे क्योंकि मुझे सिर्फ चश्मा लेना है। हाँ, लेट हो जाएगा। कहाँ जाना है सर? मतलब नहाने के लिए लेट हो जाएगा? अरे नहीं होगा लेट, 12 बजे से पहले नहाना होता है, उसमें भी आपको वो ठंडी वाली एलर्जी है ना। ले सुहाना कलर कहाँ रखती, किचन में है। ये क्या सूट करे, ये जो पैसे साफ करते हैं बिना बिना ये लगाए ब्रश करते हैं ना, तो इसको मुझे क्यों दिखा रहे, इसमें मैं नहीं दिखता। आप दोनों दिख रहे हैं, दोनों में यहाँ भी दिख रहे हैं यहाँ भी दिख रहे हैं, वो कैसे हो सकता? अल्ट्रा वाइड में वो कैसे हो सकता? और हो गया सर? हाँ हो, अभी अच्छा है। मेरा मुँह साफ हुआ? कहाँ दिखाई, हाँ वाह सो हैंडसम। काश मैं हैंडसम होता। हैंडसम नहीं है आप, बहुत हैंडसम है। काश मैं अगर हैंडसम होता। हाँ जी, तो क्या होता? तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता, लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोचती इतने हैंडसम बॉय। आपको आपके लिए एक और कमेंट आया है कि नहीं कि आशीष नंदिनी को देखो। हाँ। उनके वीडियो के कमेंट में जाके देखो कितना नेगेटिव कमेंट्स रहते, लेकिन फिर भी वो लोग काम करते हैं कि नहीं करते। हाँ। वो तो है ही हमारे मतलब है भी तो हमारे दोस्त। हाँ।
ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। देखिए उनको कैसे वो लोग इतना नेगेटिव कमेंट्स रहता है फिर भी कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते, अपने काम पे ध्यान देते हैं। मैं भी आपको यही बोलती हूँ कि आप काम पे ध्यान दीजिए, कमेंट्स पे नहीं। क्योंकि देखिए वो जो है ना, देखिए मुझे ये बताइए, सब बात छोड़िए, ये बताइए कि मेरा मुंह में जो इतना दाग दूर है, धब्बा धब्बी है, ये दूर कैसे जाएगा? कहाँ है आपके मुंह में दाग? तो है नहीं, नहीं है, नहीं है। इतना दाग ही सब है, दूर कैसे जाएगा ये सब? इसको सेव कर लीजिए, चला जाएगा दूर। सेव नहीं कर, अब मेरे फेस में ये है, ये डॉक्टर बोले कि इसका जो डैम है वो नहीं जाएगा। अब आप क्या कहते हैं? मेरा मन कहता है कि चला जाएगा, क्योंकि खुद से छू के भी पता चलता है ना कि हाँ जाएगा या नहीं। हाँ जाएगा, कम हो रहा है धीरे धीरे, तो क्यों नहीं जाएगा? नहीं मानते हम डॉक्टर की। जब हो गया है वो ना, घाव ठीक हो गया है, तो डर्माडोल को कमेंट किए थे ना हमारे सब्सक्राइबर। चलिए अभी जा रहे हैं मार्केट आपके ग्लास लाने के लिए, तो मैं भी ढूंढूंगी, ठीक है? डर्माडोल? हाँ क्या है? डर्माडोल कहाँ बोले थे? मैं डर्मा बोले था, आप तो कंफ्यूज कर देते हैं कुछ भी। डर्माडोल बोल रहे, डर्माडोल क्या होता है? मेरा बाल ठीक है, कुछ कुछ करो। ठीक है अभी, अभी ठीक है ना? दाढ़ी चेक करवाना पड़ेगा, दाढ़ी भी ठीक है। कितने दिन पे करवाना पड़ता है? एक आप रूटीन ही रखिए ना, उतने दिन पे मतलब करवा लीजिए। दाढ़ी तो हम पहले बहुत बड़ा बड़ा रखते थे, जब कमेंट आने लगा दाढ़ी था सेट करवाया तो मैंने पूरा काम कर दिया, लेकिन अब फिर से मेरा मन हो रहा है दाढ़ी बढ़ाओ, लेकिन सेट करके रखिए। हाँ वही ना, बढ़ाइए, लेकिन होता है ना ऐसे मिला मिला के करते हैं लोग, रखते हैं वैसे वाले रखते हैं, क्योंकि दाढ़ी में लड़के प्यारे लगते हैं। और ये ना देखिए आईब्रो ना, ये आईब्रो 15 दिन पे बनवाना होता है। रिंकू के शादी का कितना दिन हुआ? मेरे को भी एक हफ्ते दो हफ्ते में सेट करवाना है, कहीं कहीं से बढ़ गया, अभी देखो ना यहाँ से बढ़ गया, वहाँ से बढ़ गया है, तो सेट करवा लीजिए 15-15 दिन पे, है ना? देखिए सिर्फ मुंह मुंह धोने से कितना हैंडसम हो गए। वो कमेंट आया था ना कि ब्लैक वाला जो था रूम स्वेटर, हाँ वो अच्छा है, वो अच्छा लग रहा था। मैंने भी जब वो वीडियो देखा ना तो मुझे लग रहा था कि शायद ब्लैक वाला ही अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा मैं दिलीप के स्वास्थ्य से मुंह धोया करूंगा तो मुझे लगता है कि वो ब्लैक मेरे पे सूट करेगा। हां आपका जो दोस्त है वो ये राम सागर, वो पहनते है कि नहीं पहनते ब्लैक बताइए? ये क्या सोचते रहते दोस्तों ये कि मैं काला हूँ ना तो काला नहीं मतलब जचेगा, ऐसा नहीं होता है, इतना काला नहीं होता है इंसान, कपड़े जितना काला, एकदम काला नहीं होता है इंसान, ठीक है? हाँ और श्याम कलर पे ना काला कलर बहुत जचता है, ठीक है? हाँ तो चलिए ले लेते हैं ब्लैक वाली। ये बताओ आप लोग पैर कैसे साफ करते हैं? क्यों मेरा पैर बहुत ही वो हो गया है, मैल बैठ गया। अच्छा नहाते हैं डेली ना तो साफ रहता है, तो पैर तो हम डेली धोते हैं। ठीक है फैमिली, अभी वो कल पे ही है, मतलब ना ले गया पे मुँह धो लिए है, लेकिन अभी जाएंगे मार्केट, मैं इंतजार नहीं कर सकती इतनी, ठीक है? तो ये ले लिए कल, चलते हैं अभी, ठीक है? कहाँ देखे? ए वाव, सो ब्यूटीफुल, सो इलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। प्लान कौन बनाया था बताइए? ए होली है, थोड़ा ना होली है। मैंने सोचा था कि मैं तो रंग वाले से खेलूंगा, ये तो अबीर वाला हो गया। हाँ रंग नहीं था मेरे पास, यही था, मैं क्या करूँ? लेकिन ये देखिए अभी मुंह धोए हैं आप तो काफी क्यूट लग रहे हैं इस कलर में। अभी मैंने फेस वॉश से मुंह धोया था, ये कौन सा? हाँ तो देखिए आप कल से मैं प्लान कर रही हूँ ये करने के लिए। ये अभी लैवेंडर कलर का पहन ही हुआ, सारा बिगाड़ दूंगा। अभी मैं नहा ही हूँ, आपके पास कलर कहाँ है जो बिगाड़ेंगे? खुद का कलर लाइए फिर बिगाड़िए, ठीक है? होली है, होली है, होली है। पैर गंदा हो गया था पूरा ठंडा। प्लीज फैमिली गाली मत दीजिएगा, ठीक है? नहीं आप प्लान
प्लान जो बना रहे थे आप? क्या लगता है आपको, सिर्फ आपको ही चाहने वाले सब लोग हैं, मेरे चाहने वाले कोई? आप प्लान बना रहे थे, आप प्लान बना रहे थे सो किसके साथ? आपके साथ मिलकर हम प्लान बना रहे थे। किसी के साथ? मेरे पर रंग डालने के लिए प्लान बना रहे थे ना। तो आप हमारे साथ, हम किसी तरह पड़ोस के ऊपर डालने के लिए? हाँ, तो हम किसके ऊपर डाले? शादी किए हैं। हाँ, शादी किए हैं आपके साथ, तो मस्ती करेंगे। दिखाइए अपना फेस, दिखाइए कितना अच्छा लगते है। वाह, एक बार और दिखाइए। ये क्या? इस होली के चक्कर में ना ये रोटी में ऐसे छोड़ दी थी। अभी हमारा ये जो सोचे थे वो पूरा हो गया, और इस कलर को अभी रख लेते हैं। सच में जब होली आएगा जिस दिन, उस दिन खेलेंगे और काफ़ी सारे रील्स भी बनाएंगे इस कलर के साथ। इसको रख लेते हैं। तो फैमिली, जो प्लान ये बना रहे थे वो मैंने कर दिया, ठीक है। और आप सब गाली प्लीज मत दीजिएगा मुझे, क्योंकि ये प्लान ये खुद बना रहे हैं। बोलते हैं ना कि जैसे के साथ तैसा होता है, ऐसा हुआ इनके साथ। ये प्लान बना रहे थे उदय के साथ। इसलिए कट उट गया, रेड रेड ही कलर बचा है। नहीं लग रहा है, देखो ना, जैसे कि कट गया हो और ब्लड ही ब्लड लग गया। यहाँ पे नीचे भी लग रहा है जैसे ब्लड ब्लड है। और ये जो है ना, ये हमारे नल एरिया गंदा है। पता है क्यों ये नहीं ठीक होता है? ये ना, मतलब ये नल एरिया में वो टाइल्स रहना होता है, वो अच्छे साफ होता है। ये ऐसे बैठ गए ना, मतलब ये साफ ही नहीं होता है, है ना? ये साफ ही नहीं होता है। और पिछड़ने उछड़ने वाले है नहीं, ये बस ऐसा कलर हो गया है इसका। तो चलिए अभी मार्केट चलते हैं। ये अभी मुंह धो नहीं रहे हैं, आप नहा लीजिए अब, ठीक है? नहीं नहाएंगे। आए, फिर भी नहीं नहाएंगे, इतना लगा दिए फिर भी नहीं नहाएंगे। तो ठीक है फैमिली, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अब मुझे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पहले से प्लान कर रहे थे, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। तो बाय बाय, और प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है?